इस हफ्ते द कपिल शर्मा शो पे आ रहे हैं इंडियन क्रिकेटर्स अपने बेटर हाफ के साथ। इतना शर्मा रहा है दीपक, आज अपनी पत्नी के साथ आए हो ना। सुरेश पाजी ना बड़े प्यारे इंसान है, हमेशा हंसते रहते, स्माइल रहती इनके चेहरे पे। पारी, शादी के बाद ये जो आपका टाइटल है हसमुख वाला, ये बरकरार है या छीन लिया गया समाज द्वारा? छीना नहीं है, और जब साथ में प्रियंका आई तो और उसका नूर और आगे बढ़ गया पाजी। मैंने जब जया को प्रपोज किया, हमारी एंगेजमेंट हुई, हाँ। उसके बाद में रहना भाई ने जो मेरे को डायलॉग दिए हैं, क्या क्या, अरे ऐसा होता है, तूने और एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, ये है वो है। तभी आपने इस बात का फायदा उठाया कि आपके हस्बैंड इतने अच्छे कमेंटेटर हैं, आज आप घर पे हो तो आज हमारी किटी पार्टी चल रही है उसमें थोड़ी कमेंट्री कर दो। लिया आपने ऐसा? मैं आपको बात बताती हूँ, एक दिन कुछ हुआ हमारे बीच में, गुस्सा हुई, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। अच्छा, तो पीछे से आवाज आई, मेरे को लगा रोकेंगे कुछ कहेंगे, पहली बार किया है कदमों का सही उपयोग। शुरू हो रहा है, वहाँ जाने की सोच रही हूँ मैं। मम्मी क्या बोल रही हो तुम, ये उम्र है तुम्हारी खेलने की? अरे लास्ट बच्चा 3 साल पहले पैदा करा है मैंने। मम्मी तुम भी क्या बोले जा रही हो, तब से ससुराल है ये मेरा, मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है यहाँ पे, प्लीज यार। मेरे तो इज्जत की कभी टेंशन ना ली बिंदु, तू किस पे गई है?